मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान अंतरराज्य अवैध शस्त्र तस्कर गैंग का खुलासा किया, जिसमें एसएसपी ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला से पुलिस ने एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली कि गांव जोला के जंगलों में एक खेत में अवैध शस्त्र तस्कर तमंचा फैक्ट्री चलाकर तमंचे बना रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 9 अवैध शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 75 बने 47 अध बने तमंचे बरामद किए व भारी मात्रा में कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण आदि भी बरामद किए गए। पुलिस की इस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर अपराधी भागने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। वहीं एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि ये अपराधी जनपद मुजफ्फरनगर के साथ साथ सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी तमंचा की सप्लाई किया करते थे, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में गांव जोला में एक सिंडिकेट पकड़ा गया है, गैंग पकड़ा गया है, जो अवैध असलों की सप्लाई मुजफ्फरनगर के आसपास के वेस्टर्न यूपी के अन्य जिले और हरियाणा के जिलों में करता था। इस गैंग के 9 सदस्य पकड़े गए हैं। पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा गैंग एक साथ पकड़ा गया है और इनसे 120 से अधिक बने और अधबने तमंचे, मस्केट, बंदूक बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जिससे लगातार अगर ये लोग काम करते रहते तो कुछ दिनों में ही कई 100 हथियार इनके द्वारा बना लिए जाते। इस पूरे प्रकरण में बुढ़ाना थाना और क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर की टीम, एसओजी की टीम लगातार लगी हुई थी और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार यहाँ से ज्वाला से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे अवैध असलों का जो काम है वो होता रहता है। पूर्व में भी यहाँ से शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूरा जो सिंडिकेट है, पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो गैंग है, उसको एक साथ पकड़ा गया है और भारी मात्रा में इन लोगों से सामान बरामद भी किया गया है। इस गैंग के अभी 3 लोग अन्य और फरार हैं, उन लोगों को भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इनका पूरा जो सिंडिकेट है उसको ध्वस्त किया गया है और बहुत जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, किस तरह की इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस काम में? देखिए, ये पहली बार क्योंकि पूरा गैंग एक साथ पकड़ा गया है, तो भविष्य में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई और उसके बाद प्रॉपर्टी जब्तीकरण जो होता है उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। इन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, चिन्हित करते हुए गैंगस्टर और अन्य सभी कार्रवाई इनके ऊपर कराई जाएंगी और इस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी कि दोबारा इस प्रकार का काम ये लोग न कर पाए। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।